देखो बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे बोर्ड पर है। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो 6th क्वेश्चन हमने अभी कराया था उसका एक लास्ट स्टेप बच्चों रह गया था। लास्ट स्टेप रह नहीं गया था, मतलब उस वीडियो में थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या था। 28.5 √3 में से क्या करा हमने, 28.5 √3 अपॉन में सीधा लिख देता हूं मैं, 28.5 √3 - 28.5 √3 अपॉन में √3 था। ठीक है बच्चों, शायद यही था। हाँ जी बिल्कुल यही था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से क्या कर लेते हैं, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये रेशनलाइज था ऑटोमेटिकली, शायद पहले से ही मैंने रेशनलाइज अब कर देता हूं मैं। √3 × √3 आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 28.5, और यहां पर क्या आ जाएगा, √3 / 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 28.5 √3, दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, 1/3। तो यहां क्या आ जाएगा, 28.5 √3, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये पॉइंट हटा दूंगा तो मैं नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 2 से 5 कट जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19। तो हमारा आ जाता है आंसर यहाँ पर 19 √3 m². ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन का लास्ट टाइम पर देख लेना, जो वीडियो में थोड़ा सा कट गया था, ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब फिलहाल इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और रह गया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो मैं चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 मीटर एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो सबसे पहली बात, इसने एक बात बोली हुई है कि बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। क्या है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ठीक है, देख लेते हैं, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है मेरे पास, मैं ये बिल्डिंग थोड़ा यहां पर बना लेता हूं, एक सेकंड। देखो एक बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, बिल्डिंग मेरी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है जी, बिल्डिंग बिल्डिंग पे 20 मीटर है, उसके बाद बोला एक टावर है, उसके बाद क्या है, एक टावर है। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो गया, टावर हो गया, समझा की बात। अब बात करते हैं कि 45 और 60 डिग्री। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए बच्चों कि देखो अभी क्या बोलता है, यहां पर एक वो है, क्या कहते हैं, द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पर। ठीक है जी, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इसके बाद क्या एंगल बनाता है, ये देखो, एक तो ये टावर के साथ बनेगा, और एक ही किसके साथ बनेगा, ये किसके साथ बनेगा, ये बिल्डिंग के साथ बनेगा। ठीक है, किसके साथ बनेगा बच्चों, एक तो टावर के साथ बनेगा, ठीक है, और एक किसके साथ बनेगा, बिल्डिंग के साथ बनेगा। देखो अब बात करते हैं, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, सॉरी अल्फाबेट देते हैं, ए बी सी एंड डी। अब बात करते हैं कि 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली दो एंगल्स गिवन है, तो छोटा कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा आएगा, वो देखते हैं। जितना देखो पास, देखो क्या है, छोटे वाला एंगल कौन सा आएगा, 45 डिग्री, ठीक है, और बड़े वाला कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 45 और 60 डिग्री। अब बात खत्म हो चुकी है, निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है डीसी, क्या निकालना है, डीसी फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो भैया मैं बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब एबीसी की बात करता हूं तो क्या आएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, तो बी सी अपोन में परपेंडिकुलर, और बेस कितना है मेरा, ए बी, कितना है, ए बी, और टेन एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो बी सी मेरा कितना था, 20 मीटर, और ए बी कितना है मेरा, ए बी फाइंड आउट करना है, और टेन 45 कितना होगा मेरे पास, टेन 45 होगा हमारे पास 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, बड़े वाले की, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो डीबी की वैल्यू क्या आएगी, 20 + x, तो क्या आ जाएगा, डीबी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं बच्चों, ए बी तो ए बी रहेगा, ठीक है, ए बी को तो ए बी रहने देता हूं। ठीक है जी,
अब बात करते हैं डीबी की वैल्यू। डीबी क्या बोलती है मैंने 20 + x, ये देखो मैं बताया था डीबी कैसा आएगा, डीबी ये 20 है ये मैंने x मान लिया तो क्या आ जाएगा 20 + x मीटर। ठीक है तो डीबी की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं 20 + x मीटर ठीक इज इक्वल टू 10 कितना होता है ये होता है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 20 + x और ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो ए भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है यहां से भी मैं क्या कर लेता हूं मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं बच्चों, देखो यहां से AB की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा AB की वैल्यू। ठीक है तो इस AB की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं मैं, चलो भैया ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और लिख देता हूं मैं द वैल्यू ऑफ AB पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है तो पुट कर दिया 20 + x / √3 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है अब क्या करते हैं इस 20 इसको रूट थ्री को मान ले जाऊंगा मैं 20 + x इज इक्वल टू 20 √3। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस ये प्लस का है ना, ये प्लस का है ना उधर जाकर माइनस का हो जाएगा ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 - 20। क्या जाएगा ये प्लस क्या है वहां जाकर माइनस का हो जाएगा 23 - 20 तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20 बार लेने के बाद क्या जाएगा √3 - 1 और ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा और यही मुझे टावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, देखो लिखा हुआ एक पॉइंट से ग्राउंड से एंगल बनाता है, कितना बनाता है एक तो टावर के साथ बनाता है एक बिल्डिंग के साथ बनाता है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर गिवन है, बिल्डिंग के साथ छोटा एंगल बनाएगा और टावर के साथ बड़ा एंगल बनाएगा, दो लेते हैं हम एबीसी और एबीडी, एक बार छोटे वाला एक बार बड़े वाला। ठीक है 1045 लिया 1060 लिया, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा यहां पर गिवन है बीसी और हमारा बेस कितना गिवन है एबी, एबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहां पर एबीडी में से भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। एबी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो यहां पर पुट कर दिया एबी जगह 20 रख दिया, बाकी सारी चीज ये की ये है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और यहां से एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमें क्या निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है तो थैंक यू बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको मैथ के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है तो थैंक यू सो मच बच्चों।